So welcome back to again Palghese Academy Foundation for a Better Future. Now आज हम लोग एक ऐसा चैप्टर देखने वाले हैं जो कि मैथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है. वो चैप्टर सबसे इजी चैप्टर है, चाहे वो कॉमर्स के लिए हो या साइंस के लिए हो. और हमारे पूरे सिलेबस का मैथ्स वन का पहला चैप्टर है, चाहे वो कॉमर्स का हो या साइंस का हो. बहुत ही इजी चैप्टर है. अगर हम लोगों ने डे बाय डे बेसिस पे उस पर काम किया और उसको सॉल्व किया तो सबसे ज्यादा मार्क के हिसाब से अर्निंग वाला चैप्टर है. तो आई होप ये चैप्टर आपको समझेगा. राइट नाउ फर्स्ट चैप्टर है, चैप्टर का नाम है मैथमेटिकल लॉजिक. मैथमेटिकल लॉजिक में लॉजिक नाम का एक वर्ड आ गया है. लॉजिक दैट मीन्स जिसमें सेंस हो, जो वैलिड हो. और मैथमेटिकल लॉजिक मतलब क्या? मैथमेटिकल लॉजिक मीन्स मैथमेटिक्स का सेंस, या तो मैथमेटिक्स के स्टेटमेंट वो वैलिड है या नहीं वो चेक करना. इन शॉर्ट मैथमेटिक्स का ग्रामर, दैट इज मैथमेटिकल लॉजिक. हमको बहुत सारे थ्योरम्स, बहुत सारे स्टेटमेंट हम लोग मैथ्स में लिखते हैं, थ्योरम लिखते हैं, प्रूफ लिखते हैं. वो सारे थ्योरम और प्रूफ सही है या गलत है उसको जो चेक करने का पैरामीटर है वही होता है अपना लॉजिक. मैथमेटिकल लॉजिक इवन दो फिलोसॉफी और मैथमेटिक्स इन दोनों जगह पे भी यूज होता है. ये एक टूल है जो कि उसको मैथमेटिकली करेक्ट करने के लिए लगता है. यू नो दैट कि साइंस द मैथमेटिक्स इज अ पार्ट ऑफ साइंस. साइंस में मैथमेटिक्स का रोल बहुत बड़ा है. और जो कुछ भी चीजें साइंस में कंफर्म करनी है उसको मैथ्स का यूज करके किया जाता है. मैथ्स के हिसाब से उसको पूरा कैलकुलेट किया जाता है, देन उसको वैलिड किया जाता है. और उसको वैलिड है कि वो चेक करने के लिए हमको लगेगा मैथमेटिकल लॉजिक. ठीक है, तो आज हमारा पहला चैप्टर, दैट चैप्टर इज मैथमेटिकल लॉजिक, चैप्टर नंबर वन, मैथ्स वन, न्यू सिलेबस 2020 और 21. ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग हमारा सबसे इजी चैप्टर. बहुत इजी चैप्टर है, बहुत मजा भी आएगा. समटाइम्स यू फील कि हम लोग शायद ग्रामर पढ़ रहे हैं, इंग्लिश का ग्रामर, बट ऐसा नहीं है. ये मैथ्स का ही पार्ट है, मैथ्स का ग्रामर ऐसा समझो मैथमेटिकल लॉजिक. तो मैथमेटिकल लॉजिक देखने से पहले हम लोगों को सबसे इंपॉर्टेंट है हमको एक डेफिनेशन देखनी है, दैट इज स्टेटमेंट. एक डेफिनेशन देखनी है, दैट इज स्टेटमेंट. व्हाट इज स्टेटमेंट एक्चुअली? तो चलो डेफिनेशन लिख लेते हैं. डिक्लेरेटिव सेंटेंस विच इज आइदर ट्रू और फॉल्स बट नॉट बोथ साइमल्टेनियसली. स्टेटमेंट का डेफिनेशन लिख रहे हैं हम लोग. चलो यहां पे डेफिनेशन लिख देते हैं. क्या डेफिनेशन है पढ़ लेते हैं एक बार उसको. अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस विच इज आइदर ट्रू और फॉल्स बट नॉट बोथ साइमल्टेनियसली. मतलब कि ऐसा डिक्लेरेटिव सेंटेंस, डिक्लेरेटिव मतलब देखते ही पता चलेगा, डिक्लेयर कर सकते हैं कि वो या तो ट्रू है या फिर फॉल्स है, बट दोनों एक साथ नहीं है. ठीक है, एक ऐसा सेंटेंस या तो वो सही है या तो वो गलत है, बट दोनों भी एक साथ नहीं है. ऐसे सेंटेंसेस को मैं बोलूंगा स्टेटमेंट. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्टेटमेंट समझेगा तो ही आगे का पार्ट समझेगा. ठीक है, स्टेटमेंट समझा, स्टेटमेंट समझा एकदम इजी ना. या तो वो ट्रू है या तो वो फॉल्स है, बट दोनों भी एक साथ नहीं है ना. अगर स्टेटमेंट को मुझे डिनोट करना है, डिनोट या तो नोटेशन पर, तो उसको मैं या तो स्मॉल लेटर में पी या क्यू या आर पीटीसी लिख सकता हूं. मोस्ट प्रोबेबली आपको पीक्यू आर यही लिखेंगे. जब एक स्टेटमेंट हो या दो हो या तीन हो तो मोस्ट प्रोबेबली पीक्यू आर लेते हैं, मोस्टली पी ले लेंगे. डिनोट करेंगे पी क्यू आर ए टी सी से.
स्मॉल लेटर से किसी से भी कर सकते हो, बट फिल्म टेक्स्ट बुक मोस्ट ऑफ पी क्यू आर मिलेगा। ये है इसका नोटेशन पार्ट, ठीक है। अब अगर पी स्टेटमेंट है मेरा तो इसकी वैल्यू या तो ट्रू हो सकती है या तो फॉल्स हो सकती है, राइट है ना। व्हाट इज स्टेटमेंट, स्टेटमेंट क्या होता है, अ सेंटेंस विच इज ट्रू और फॉल्स। तो पी की वैल्यू क्या हो सकती है, ट्रू या फॉल्स हो सकती है। क्यू की वैल्यू भी क्या होगी, ट्रू या फॉल्स होगी। और आर की भी वैल्यू क्या होगी, ट्रू या फॉल्स होगी। तो हमारी जो ये ट्रू और फॉल्स की वैल्यू है उसको हम लोग बोलते हैं ट्रूथ वैल्यूज, ट्रूथ वैल्यूज। तो ट्रूथ वैल्यू मतलब ट्रू के लिए अपन क्या डिनोट करेंगे, कैपिटल टी, और फॉल्स के लिए क्या डिनोट करेंगे, कैपिटल एफ। दिस इज माय ट्रूथ वैल्यूज। नाउ ट्रूथ वैल्यूज हमको कब लगेगी, जब हम लोग को एक सेंटेंस देंगे, सेंटेंस को चेक करने बोलेंगे इट इज ट्रू और फॉल्स, उस हिसाब से फिर अपन क्या करेंगे, उसकी ट्रूथ वैल्यूज देंगे। समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं अपन, स्टेटमेंट देखा जो कि ट्रू या फॉल्स है, नोटेशन पार्ट देखा उसको स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं, फिर उसकी वैल्यू या तो ट्रू या तो फॉल्स होगी। दोनों एक साथ होगी क्या, नहीं होगी। अगर दोनों एक साथ होगा तो क्या होगा, इट इज नॉट अ स्टेटमेंट, राइट। नाउ ट्रूथ वैल्यू ट्रू और फॉल्स होगी, आप एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। एग्जांपल देखते हैं, अब एग्जांपल देखते हैं, 2+3=5 एंड सन इज स्क्वायर इन शेप, एक ले लिया, ये दूसरा ले लिया, ये तीसरा ले लिया अपन, इट इज रेड इन कलर, ठीक है, इट इज रेड इन। चलो इतने फर्स्ट वन इज 2+3=5, एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, एक इक्वेशन है अलजेब्रिक। 2+3=5, यस 2+3 कितना होता है, 5 होता है, ये मुझे पता है, ये हम लोगों को इतना तो मैच आता है कि 2+3 कितना होता है, काउंट करने के बाद 5, तो ये राइट है, तो ये ट्रू है। तो ये अगर ट्रू है तो ये ट्रू है, दैट मीन्स या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा, या तो ये सिचुएशन है, या तो ट्रू है या तो फॉल्स है। तो इसके लिए ट्रू है, दैट मीन्स ये क्या हो गया मेरा, स्टेटमेंट हो गया, क्या हो गया मेरा, स्टेटमेंट हो गया। अगर ये स्टेटमेंट होगा, नाउ सन इज स्क्वायर इन शेप, सन स्क्वायर में होता है क्या, नहीं, तो इट इज राउंड इन शेप, और ठीक है सन इज राउंड इन शेप, तो ये हो गया मेरा फॉल्स। बट फॉल्स है, अगेन इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या होगी, एफ, अगेन ये स्टेटमेंट है। अब मैं बात कर रहा हूं तीसरे एग्जांपल, इट इज रेड इन कलर, नाउ इट इज रेड इन कलर बोला है, इट इज मीन व्हाट, क्या रेड इन कलर है, तो मैं वहां पे कंफर्म नहीं हूं, ठीक है। हमारे पास या मेरे पास शायद ये पेन है जिसका ये जो कलर है रेड है, अगर मैंने इसकी बात की होती कि इट इज रेड इन कलर, तो यस मैं बोल सकता हूं कि यस यस इट इज रेड इन कलर, तो मैं यहां पर इसको ट्रू बोल सकता हूं, ठीक है। बट सपोज मैंने मार्कर की बात की, ये मेरा मार्कर है, मैंने बोला इट इज रेड इन कलर, तो यहां पे इसकी वैल्यू क्या होगी, फॉल्स होगी, क्योंकि ये रेड भी नहीं है। तो देखो एट ए टाइम दो आंसर मिल रहे, डिपेंड्स ऑन इट है और ये इट भी मुझे पता नहीं, समझ में आ रहा है, डिपेंड्स ऑन इट है और ये इट ही मुझे पता नहीं है, तो दैट मीन्स मैं यहां पे ट्रू भी बोल सकता या फॉल्स भी बोल सकता या कन्फर्म बता नहीं सकता। तो जिस चीज को मैं कन्फर्म नहीं बता सकता उसी को मैं क्या बोलूंगा, नॉट अ सिंपल है। देखो यहाँ पे डेफिनेशन भी लिखा है अपन ने, और डिक्लेरेटिव क्लियरली हम लोग बता सकते हैं कि ये ट्रू है या तो ये फॉल्स है, बट यहां पे मैं क्लियर नहीं कि ये स्टेटमेंट, सॉरी ये रेड इन कलर है या नहीं है, तो इट इज नॉट अ स्टेटमेंट। तो इट इज नॉट अ स्टेटमेंट, नॉट अ स्टेटमेंट है, तो फिर उसको क्या करेंगे अपन, ना ही ट्रू लिख सकते ना ही फॉल्स लिख सकते, तो इसको सिर्फ इतना ही लिखना है, नॉट अ स्टेटमेंट, ठीक है, समझ में आया। तो इसका मतलब मैं कंक्लूजन बना सकता हूं, एक सिंपल सा कंक्लूजन बना सकता हूं मैं, कि जो भी मुझे सेंटेंसेस देंगे वो सारे के सारे स्टेटमेंट नहीं हो सकते, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है क्या,
मैं कंक्लूजन बना सकता हूं कि जो भी सेंटेंसेस मुझे दिए जाएंगे वो सारे के सारे स्टेटमेंट होंगे, उसकी गारंटी नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि देयर आर मे बी सम सेंटेंसेस विच आर नॉट अ स्टेटमेंट। समझा? समझा? अरे समझा, फिर से सुनो। There are some sentences which are not a statement. ऐसे भी sentences होंगे जो कि statement नहीं होंगे। Is it clear? अब हो गया ना समझ? हिंदी में समझ आता, इंग्लिश में थोड़ा प्रॉब्लम है। ठीक है, तो समझ में आया होगा। तो हम लोग देखते कि which type of a sentences are not a statement. Which type of a sentences are a नॉट स्टेट। ठीक है, समझा? थोड़ा मुझे अब काम करना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा कर लेता हूं। सो देखिए, सेंटेंसेस विच आर नॉट अ स्टेटमेंट, मैंने यहां पर सेंटेंसेस के नाम लिख दिए हैं। यहां पे है पहला सेंटेंस अपना इंट्रोगेटिव सेंटेंस, सेकंड वन इज एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, थर्ड वन इज ऑर्डर रिक्वेस्ट कमांड सेंटेंस। ये तीनों भी सेंटेंस अपने इंग्लिश के ग्रामर में देखे हुए हैं। सिर्फ और सिर्फ ओपन सेंटेंस जो है वो नहीं देखा, वो मैथमेटिकल टर्म्स है, मैथमेटिकल से मैथमेटिक्स में आया हुआ एक टर्म है, वो देखेंगे। ना इंटरोगेटिव सेंटेंसेस अगर समझना है तो शॉर्टकट दे देता हूं, यहां पे क्वेश्चन मार्क होता है। क्वेश्चन मार्क मतलब क्वेश्चन हो गया, तो मैं अगर क्वेश्चन पूछ रहा हूं कोई, या क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन पूछ रहा हूं कोई, तो उसको मैं इंटरोगेटिव सेंटेंस बोलूंगा। और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस आर नॉट अ स्टेटमेंट, ध्यान में रखना, नॉट अ स्टेटमेंट। कौन सा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस आर नॉट अ स्टेटमेंट। नाउ लाइक एग्जांपल, हाउ आर यू, हाउ ओल्ड आर यू, वेयर आर यू, व्हाई आर यू अपसेट, आर यू गेटिंग और नॉट, समझ में आ रहा है क्या? ये सारे जो क्वेश्चन है वो किसमें आए? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। नाउ एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस मोस्ट ऑफ इसका कब यूज होते हैं? एक्सप्रेशन देने के लिए। तो इसके लिए ये फैक्टोरियल का साइन, मैथ्स वाले रहेंगे तो फैक्टोरियल का साइन, और मैथ्स वाले ही है, मैथ्स वाले नहीं रहेंगे मतलब। तो मैथ्स वाले जिन्होंने देखा होगा ये फैक्टोरियल साइन परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में, राइट? तो दैट इज एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस, राइट? एक्सक्लामेटरी मतलब क्या? एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन मतलब तुम लोगों का ओ माई गॉड, लड़कियों का फेवरेट है उप्स, ओ आउच, that kind of expression, that is exclamatory sentence, right? Then order and request, order and request, हम बड़े लोग order करते हैं, छोटे लोग request करते हैं। ठीक है, as a teacher मैं order करूंगा कि as a get me a glass of water, shut the door, keep quiet, it's like commanding or ordering something, request रहेगा तो उसके आगे please आ जाता है, please get me a glass of water, please keep quiet, please do not disturb. तो ये हो गया हमारा order request command type of sentences. ये भी अपना not a statement में आता है। Now fourth one is open sentences, right? Open sentences मतलब वो open है, इसका meaning क्या है? तो its truth value can be varied. Its truth value can be varied. Depends on situation. Like suppose एक example दे दूँ, 2+3 तो लिखा है मैंने, but मुझे ये नहीं पता कि ये true है या false है। कोई बता सकता है ये true है या false है? इसका answer हम बता सकते हैं sir, अगर हम लोगों ने plus किया तो 5 आएगा, okay? Plus किया तो क्या आएगा? 5 आएगा, but मैंने equal to 5 बोला है यहाँ पे, नहीं। तो equal to 5 ही है, that means क्या होगा? 2+3 को मैं या तो true या तो false, इसमें इस category में categorize नहीं कर सकता, इसको ट्रू या फॉल्स नहीं बता सकता। तो जब मैं ट्रू और फॉल्स ही नहीं बता सकता तो वो क्या हो जाएगा? नॉट अ स्टेटमेंट। इसी तरह के सेंटेंसेस को बोलते हैं ओपन सेंटेंस। ओपन सेंटेंस शॉर्टकट में अगर देखना है तो इट्स ट्रूथ वैल्यू कैन बी वैरी अकॉर्डिंग टू कंडीशन which is not mentioned
that sentence. ऐसा sentence जिसकी truth value वैरी होगी, change होगी, depends on condition, जो कि condition नहीं है. अगर 2+3 को equal to 5 था तो आप लोग तुरंत बोल देते सर ये true है, ये statement है. और अगर मैं बोलता हूँ not equal to 5 तो आप तुरंत बोल देते सर ये तो false हो गया, बट ये statement है. बट अगर मैंने यही लिख दिया है तो मैं तो कुछ बोल ही नहीं सकता ये ट्रू है या फॉल्स है. तो दिस काइंड ऑफ अ सेंटेंसेस आर ओपन सेंटेंसेस. समझ में आ रहा है? एकदम इजी है कॉन्सेप्ट, कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है. अच्छे से पढ़ो, डे बाय डे बेसिस पे पढ़ो, देखो आपको ये चैप्टर सबसे इजी है. समझ में आ रहा है? तो ये है मेरे 4 ऐसे सेंटेंसेस जो कि स्टेटमेंट नहीं है, राइट? समझा? एग्जाम्पल हम जो एक्सरसाइज करेंगे तो मैं बताऊंगा कैसे रहता क्या नहीं रहता. एक्सरसाइज अपने को 1x1 शुरू करने के लिए तो ये सब लगने वाला. अब फिलहाल के लिए समझ लो कि रिकैप कर लेते छोटा सा, क्या किया हम लोगों ने. हम लोगों ने डेफिनेशन पढ़ी स्टेटमेंट की, ट्रू या तो फॉल्स होगा, दोनों में एक साथ नहीं होगा. दूसरा उसका नोटेशन देख लिया, PQR स्मॉल लेटर्स. देन ट्रूथ वैल्यूज देख ली, ट्रू होगा तो कैपिटल T, फॉल्स होगा तो कैपिटल F. ओके, उसके बाद आपने क्या देखा, हम लोगों ने ऐसा देखा कि सेंटेंसेस होते या नहीं होते. तो कुछ होते हैं, कुछ नहीं होते. जो नहीं होते वो कौन से टाइप के हैं तो वो देख रहे हैं. तो वो हमारे पास 4 टेस्ट है, इंट्रोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ऑर्डर रिक्वेस्ट कमांड और ओपन सेंटेंस. वो सब क्या होता है उसके एग्जाम्पल भी देख लिए अपन ने, ठीक है. नेक्स्ट टाइम और इसके बाद हम लोग क्या देखने वाले, हम लोग देखने वाले हैं कि मैथमेटिकल लॉजिक में कंपाउंड स्टेटमेंट का क्या रोल है और कंपाउंड स्टेटमेंट को सिंबॉलिकली कैसे कन्वर्ट किया जाता है, उसके लिए कौन से कनेक्टिव यूज होंगे और उस कनेक्टिव के नाम क्या है, उनकी प्रॉपर्टी क्या है और वो किस तरह से बिहेव करेंगे, ठीक है. समझ में आया? नाउ आवर टॉपिक इज सिंपल स्टेटमेंट, कंपाउंड स्टेटमेंट एंड आफ्टर दैट कनेक्टिव, ठीक है. आफ्टर दैट कनेक्टिव. नाउ सिंपल सेंटेंस, सरल वाक्य, सरल वाक्य मराठी में, हिंदी में सरल वाक्य. सिंपल स्टेटमेंट, कंपाउंड स्टेटमेंट, मिश्र वाक्य, मिश्र वाक्य मराठी में भी और मिश्र वाक्य हिंदी में, ठीक है. सो सिंपल स्टेटमेंट, कंपाउंड स्टेटमेंट एंड कनेक्टिव. कनेक्टिव मीन्स कनेक्शन, कनेक्शन ज्वाइन करना. तो दो स्टेटमेंट को ज्वाइन करने वाले वर्ड्स, दैट इज कनेक्टिव, ठीक है. अब सिंपल सेंटेंस और सॉरी सिंपल स्टेटमेंट का डेफिनेशन क्या होता है कि देयर इज ओनली वन स्टेटमेंट और सेंटेंस. कंपाउंड स्टेटमेंट में क्या होता है, देयर आर मोर देन टू और टू, टू और मोर देन टू सेंटेंसेस और स्टेटमेंट्स आर जॉइंट बाय कनेक्टिव्स. ओके, दो या तीन वाक्यों को जॉइंट किया गया है कनेक्टिव्स के साथ तो उसको बोलेंगे कंपाउंड स्टेटमेंट. और सिर्फ और सिर्फ एक ही सेंटेंस होगा या स्टेटमेंट होगा तो उसको मैं बोलूंगा सिंपल स्टेटमेंट, ठीक है. सेंटेंसेस और स्टेटमेंट में डिफरेंस ये हमको पता है, राइट? सेंटेंस मींस नॉर्मल सेंटेंस, स्टेटमेंट्स मींस आइदर ट्रू और फॉल्स होगा. नाउ कनेक्टिव्स, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ कनेक्टिव्स. फर्स्ट वन इज एंड, सेकेंड वन इज और, थर्ड वन इज नॉट, देन इफ देन, फाइनली इफ एंड ओनली इफ. और इसका शॉर्टकट है IFF. इसका शॉर्टकट है IFF. दीज 5 आर कनेक्टिव्स. सो अगर मुझे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में इसको लिखना है, सेंटेंस को क्या या स्टेटमेंट को क्या बोलते हैं, तो मैं यहां पे लिखूंगा विथ कनेक्टिव्स और ये हो गया विदाउट कनेक्टिव्स. ऐसे कंपाउंड स्टेटमेंट में क्या, ये 5 में से कोई ना कोई एक रहेगा, दैट इज हो गया मेरा कंपाउंड स्टेटमेंट. और यहां पे नहीं रहेगा तो वो हो गया मेरा सिंपल स्टेटमेंट. सिर्फ इतना ध्यान रखो तो भी आपको समझ में आ जाएगा व्हाट इज कंपाउंड, व्हाट इज सिंपल स्टेटमेंट. Now and or not, if then, if and only, these 5 are
इस फाइव आर कनेक्टिव्स, तो ये पांच कनेक्टिव्स हैं, इनका सिंबल है ये ए के जैसा, इसको कैप बोलेंगे, ये वी का साइन है, एन जैसा है नेगेशन का साइन है, ये वन हेडेड एरो है, एक साइड टू पॉइंट आउट हो रहा है, इम्प्लाइज भी बोल सकते हैं, ये डबल हेडेड एरो है, ठीक है, इसको इस तरह से बोल सकते हैं, दोनों साइड का एरो रहेंगे, इफ एन लीफ वन साइड का एरो रहेगा, तो इफ देन नेगेशन का एन जिस तरह से वैसे एन बना दिया यहाँ पे, और के लिए वी का सिंबल और एंड के लिए क्या, इसको क्या बोलते हैं, ये तो हो गया इसका सिंबल, ये हो गया इसका नेम, इसका हो गया साइंटिफिक नेम, देखते हैं जैसे केमिस्ट्री में आईयूपीएसी नेम रहता है, केमिस्ट्री में और तरह का जनरल फॉर्म भी रहता है, जनरल नेम भी रहता है, इसी तरह से ये भी है, तो एंड इसका है कंजक्शन और ये होता है अपना डिसजंक्शन, नॉट नेगेशन, इफ देन कंडीशन और इम्प्लीकेशन कोई भी यूज करो, इफ एंड ऑन इफ बाय कंडीशन, और ये हो गया मेरा डबल इम्प्लीकेशन, ठीक है, ये है उसका नेम। अब इनकी प्रॉपर्टी बता दो क्या क्या होता है, एंड में दोनों भी इंपॉर्टेंट होते हैं, लाइक मैंने बोल दिया कि राम इज अ प्रिंस एंड सीता इज प्रिंसेस, तो राम की एक कैरेक्टर है वहां पे, तो उनका उनका जो भी है वो प्रिंस है, वो राजकुमार, उनके बारे में एक अलग से आइडेंटिटी बता रहे, सीता प्रिंसेस है तो वो राजकुमार है, तो उसके बारे में अलग से एक आइडेंटिटी बता रहे, दोनों का इंपॉर्टेंस बराबर का है, दोनों की भी वैल्यू बराबर की है, तो तब एंड का यूज होता है, और भी जब मुझे ऑप्शन देना रहता है तब मैं और का यूज करता हूं, ऑप्शन मीन्स लाइक आपको या तो ये करना है या तो ये करना है, तो अथवा या परंतु इस तरह के जो भी रहेंगे तो वो और भी चले जाएंगे, नॉट मतलब मैं नेगेशन दे रहा, नेगेशन मतलब मैं उस चीज को नकारात्मक बना रहा, तो ही इज अ गुड, ही इज नॉट अ गुड, ही इज गुड सिंगर, ही इज नॉट अ गुड सिंगर, ही इज अ गुड टीचर, ही इज नॉट अ गुड टीचर, तो सिर्फ एक पॉजिटिविटी को निगेटिव में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए नॉट यूज करते हैं, इफ देन कंडीशनल है या इम्प्लीकेशन है तो वो हमेशा दूसरे सेंटेंस को ज्यादा प्रभावित करता है, दूसरे सेंटेंस को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है, पहला सेंटेंस इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहता जितना कि दूसरा रहता है, कैसे, तो देखो एक एग्जाम्पल दे दूं मैं कि इफ यू स्टडी हार्ड देन यू विल पास, अगर आप मेहनत करोगे या तो आप बहुत मन लगा के पढ़ोगे तो आप पास होंगे, ये इस तरह का सेंटेंस हो गया, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंस क्या है, पास होना, हमारे पेरेंट्स भी तो बोलते हैं कि बाबा पास हुआ या फेल हुआ पहले ये बता, तो दैट मीन उनको सिर्फ पास या फेल होने का ही टेंशन रहता है, तो सेकंड सेंटेंस ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इफ यू स्टडी हार्ड देन यू विल पास, तो बहुत सारे लोग ऐसे भी है जो पढ़ते नहीं फिर भी पास होते हैं, या तो एक दिन में पढ़ते हैं फिर पास होते हैं, या तो कोई कोई लोग लगे रहते हैं फिर भी पास नहीं होते, तो इंपॉर्टेंट क्या है, सेकेंड सेंटेंस है, तो इसके लिए इफ देन में हमेशा ध्यान रखना कि जो एरो जिस जगह पे जाएगा, एरो जिस दिशा में जाएगा वो वाला सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट हो, इफ एंड ओनली इफ में, इफ एंड ओनली इफ में दोनों को ज्यादा और बराबर का इंपॉर्टेंस दिया जाता है, इफ एंड ओनली इफ में दो तरह के एरो जाते हैं, दैट मीन्स कभी सेकंड स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट होगा तो कभी फर्स्ट स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट होगा, इट मीन्स दोनों भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो जब भी हम लोग इसके ऊपर प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे या इसके ऊपर हम लोग एक टेबल बनाएंगे, दैट इज ट्रुथ टेबल बोला जाता है, इस पूरे चैप्टर का एक स्पिरिट बोलो, आत्मा बोलो, जान बोलो, वही वो एक टेबल है, वो टेबल अगर हमको आ गए तो हमको मैथमेटिकल लॉजिक आ गए, और मैथमेटिकल लॉजिक के हमारे जितने भी मार्क्स होंगे वो सारे हम लोगों ने सिक्योर कर लिए, ऐसे समझो, बहुत ही इजी चैप्टर है, सिर्फ ये समझ लो कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है, एंड दोनों भी इंपॉर्टेंट है और कोई एक भी चलेगा, नॉट में निगेशन कन्वर्ट करना है, मतलब क्या करना है,
उसकी पॉजिटिव होगा तो निगेटिव बनाना, निगेटिव तो पॉजिटिव बनाना, इफ देन में सेकेंड वाला स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, और इफ एंड ओनली इफ में दोनों भी सेंटेंस बराबर के हकदार है, बराबर के इंपॉर्टेंट है, राइट? समझा? समझा? तो ठीक है, अभी हम लोग आत्मा के पास पहुंच गए। हम लोग मैथमेटिकल लॉजिक के मेन स्पिरिट, मेन आत्मा, मेन जान के पास आ गए, दैट इज ट्रुथ टेबल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आज के आज ही याद होना चाहिए, बहुत इजी है। इस टेबल को बनाना सीखेंगे हम लोग, इसको एक बार बना लेंगे, एक दो बार लिख लेंगे, अच्छे से याद हो जाएगा। इसका यूज थ्रू आउट चैप्टर में करेंगे और अच्छे से अच्छा ज्यादा से ज्यादा मार्क्स अपने अपने आप को क्या करेंगे, सिक्योर करेंगे। तो नाउ फर्स्ट ट्रुथ टेबल है, ओके। नाउ ये ट्रुथ टेबल हम लोगों ने इससे पहले क्या पढ़ा, कनेक्टिव पढ़ा। कनेक्टिव जिसको लगते हैं, कंपाउंड स्टेटमेंट को लगते हैं। कंपाउंड स्टेटमेंट कितने टाइप के थे, जितने कनेक्टिव थे, कनेक्टिव कितने थे, पांच। तो उसके हिसाब से अपने पास भी क्या होनी चाहिए, पांच टाइप के ट्रुथ टेबल की वैल्यूज होनी चाहिए। देखो एक दो तीन चार और पांच, ये सिंबल किसका है, क्या आपका एड का। तो मैं इसको कैसे पढ़ूंगा, पी एंड क्यू। इसको क्या पढ़ूंगा, पी और क्यू। इसको पढ़ूंगा इफ पी देन क्यू। इसको पढ़ूंगा पी इफ एंड ओनली इफ क्यू। और यहां पे पढ़ूंगा पी, यहां पे पढ़ूंगा निगेशन पी। ठीक है ना, पी और क्यू क्या है, सॉरी पी और क्यू क्या है, पी और क्यू क्या है, तो पी और क्यू अपने स्टेटमेंट है, राइट ना। पी और क्यू हम लोग किससे नोटिस करेंगे, डिनोट करेंगे, नोटेशन किसका है उसको, उसका नोटेशन है स्टेटमेंट का। स्टेटमेंट को क्या बोलते हैं अपन, डिनोटेड बाय पी क्यू और आर। यहाँ पे पी और क्यू है, मतलब कितने स्टेटमेंट है, दो स्टेटमेंट है, कौन से, पी और क्यू है, राइट। मुझे बताओ अगर पी स्टेटमेंट है तो पी की वैल्यू क्या हो सकती है, पी की वैल्यू क्या हो सकती है अगर पी स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट का डेफिनेशन क्या, आइदर ट्रू और फॉल्स बट नॉट बोथ साइमल्टेनियसली। तो पी या तो ट्रू होगा या तो क्या होगा, फॉल्स होगा। तो मैं इसको लिखूंगा पी या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। क्यू क्या है, अगेन स्टेटमेंट है, वो भी क्या होगा, या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। तो इस तरह से मेरे पास पी की दो कंडीशन है और क्यू की दो कंडीशन है, और हम लोग प्रोबेबिलिटी तो जानते ही है। व्हेनेवर वी हैव वन कॉइन टॉसिंग के बाद दो आंसर आते हैं, और व्हेनेवर वी हैव टू कॉइन टॉस करने के बाद कितना आंसर आता है, चार आंसर आता है। उसी तरह से इसको है, अगर मैंने टी को फिक्स किया तो या तो मुझे P का T फिक्स किया तो या तो मुझे यहाँ पे ट्रू मिलेगा या तो फॉल्स मिलेगा, और या तो मैंने फिर P का फॉल्स फिक्स किया तो मुझे क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा या तो फॉल्स मिलेगा। तो मुझे P और Q की वैल्यू मिल गई, T की वैल्यू क्या मिल गई, TTFC। इसको याद करना बहुत इजी, लेकिन आया कहां से ये किसी को पता नहीं। मोस्ट ऑफ ये आया है बाय प्रोबेबिलिटी, मोस्ट ऑफ लोगों को नहीं पता। सब लोग यही बोलते हैं कि रट लो इसको, रटने से बेहतर है कि समझ लो कहां से आया। मैथ बहुत इजी है अगर समझ जाओगे तो ये TTFF TFTF, अब तुम रट सकते हो इसको। तो TTFF आया, TFTF आया, अब हम लोग जा रहे हैं एंड के पास, मुझे एंड का टेबल बनाना है। ठीक है, ऐसे समझो कि मैं इसकी प्रॉपर्टीज बना रहा हूं सबकी, जो कि हम लोग को यूज होने वाले। नाउ एंड में क्या होता है, एंड में दोनों ट्रू तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। क्यों, क्योंकि दोनों भी स्टेटमेंट बराबर के इंपॉर्टेंस है, दोनों को बराबर का इंपॉर्टेंस दिया हुआ है। तो दोनों ट्रू होंगे तो ही वो ट्रू होगा, अदरवाइज क्या होगा, उसको आधा झूठ या आधा सच नहीं लगेगा, उसको पूरा का पूरा सच चाहिए। तो इसके लिए दोनों ट्रू होंगे तो वो ट्रू है, अदरवाइज क्या है, फोन दोनों ट्रू है क्या, देखो चेक करो, नहीं तो ये फॉल्स हो गया, ये फॉल्स हो गया, ये फॉल्स तो फॉल्स ही रहेगा। मेरा एक टेबल बन गया, इजी एकदम इजी। क्या करना है, दोनों ट्रू तो ट्रू अदरवाइज फॉल्स। पी और क्यू में, पी और क्यू में क्या मेरे पास ऑप्शन है। अब इसका एग्जाम्पल देखिए, तो मेरे पास दो दोस्त है, एक बहुत अच्छा है और एक बहुत बुरा है, और तुमको जाना है किसी कई जगह पे, किसी जगह पे घूमने के लिए, तो आप किसको लेके जाओ। सिंपल सी बात है, हम अच्छे के साथ जाएंगे, बुरे के साथ क्यों जाएंगे। तो सेम है, अगर मेरे पास दो ऑप्शन है ट्रू और फॉल्स का, तो मैं किसको लेके जाऊंगा, ऑब्वियसली मैं ट्रू को लेके जाऊंगा, तो मेरा चॉइस ही है, और का चॉइस मेरा है। तो यहाँ पे देखो दोनों ट्रू है, उसमें चॉइस ही नहीं, ट्रू हो गया। ट्रू और फॉल्स में किसको लेके जाओगे, ट्रू को,
इस दोनों में किसको ले लिया, फॉल्स और ट्रू में, ट्रू को। अब देखो ये दोनों फॉल्स है, ये तो पॉलिटिशियन है दोनों, एक 200 करोड़ का करप्शन है, एक 500 करोड़ का करप्शन। अपने पास ऑप्शन ही नहीं, हम क्या करेंगे, 200 या 500 को दोनों में से चूज करना है तो किसी एक को चूज करेंगे, तो हम लोग बोलेंगे कि 200 को कर लेते हैं। लेकिन हेल्दी और हेल्दी दो क्या है, फॉल्स ही, तो यहाँ का है फॉल्स, ठीक है। इसमें ऑप्शन ही नहीं है ना, इसमें तो फॉल्स ही आने वाला है। हाँ इसमें ऑप्शन थे तो मैंने क्या कर लिया, मैंने ट्रू को मैंने सच का सर, तो ये मेरा ट्रू होगा, ठीक है। अब P implies Q, P implies Q में मैंने आपको बताया कि सेकेंड स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब ये जो भी एरो जा रहा है वो Q के पास जा रहा है, राइट। ये सपोज ये एरो है, ये एरो है और ये नॉर्मल है, ये एरो कहां पे जा रहा है, क्यू के पास जा रहा है। क्यू के पास एरो जा रहा है तो सेकेंड स्टेटमेंट मेरा इंपॉर्टेंट है ना, तो मैं इस वैल्यू के ऊपर ज्यादा ध्यान दूंगा। देखो ट्रू से ट्रू के पास जा रहा तो ये ट्रू हो गया, ट्रू से फॉल्स के पास जा रहा तो ये फॉल्स हो गया, फॉल्स के बाद ट्रू पे जा रहा तो ये ट्रू हो गया। अब सिर्फ यहां पे गड़बड़ है, यहां पे क्या गड़बड़ है, तो यहां पे लॉजिक क्या काम करता है, अगर तुम लोग पढ़ोगे तो तुम लोग पास होगे, अगर तुम लोग नहीं पढ़ोगे तो तुम लोग फेल होगे, एक लॉजिक। बुरा कर्म करोगे तो बुरा पाओगे, लॉजिकली करेक्ट है। फॉल्स फॉल्स है, नेगेटिव नेगेटिव है, लेकिन ऐसा सब जो मैथ्स में क्या होता है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, वैसे ही फॉल्स इंप्लाइज फॉल्स इज ऑलवेज ट्रू, फॉल्स इंप्लाइज फॉल्स इज ऑलवेज ट्रू। तो ये चीज से मुझे आपने ध्यान रखने की जरूरत है, ठीक है। अगर ये आप समझ जाओगे तो बस पूरे टेबल में ये एक ही चीज समझनी रहती है, बाकी सब तो अपन देख ही रहे कैसे आ रहा है कैसे जा रहा है ना। डबल इंप्लीकेशन है, डबल इंप्लीकेशन एक्चुअली कैसे वर्क करेगा, P implies Q and Q implies P, P implies Q and Q implies P, P implies Q तो बना लिया मैंने, क्या है वो PFTT है, एंड Q implies P के लिए उल्टा आते ऐसा है वो आगे ये वैल्यू जाएगी तो क्या है TTFT, TTFT। यहां पे भी लास्ट में दोनों एफ है ना, दोनों एफ इंप्लाइज एफ, तो ट्रू हो गया। अब देखो इसमें एड है, अब इसमें एड है तो इसका आंसर क्या है, तो इसका एड में क्या, दोनों ट्रू तो ट्रू, ये फॉल्स हो गया, ये फॉल्स हो गया और ये ट्रू हो गया, तो इसका आंसर आया ट्रू फॉल्स फॉल्स। डोंट वरी, इतना डिफिकल्ट याद करने की जरूरत नहीं कि इस तरह से आया, ये आया कैसे बताया आपको, इस तरह से याद नहीं करना। आपको याद करने के लिए शॉर्टकट दे दूं कि जब कभी डबल इंप्लीकेशन हो, ये वाला साइन हो डबल इंप्लीकेशन, तो दोनों की वैल्यू को चेक करें, दोनों की वैल्यू अगर सेम है तो उसको ट्रू लिखे, दोनों की वैल्यू अगर सेम है तो उसको ट्रू लिखे। यहां पर भी दोनों की वैल्यू सेम है, क्या आएगा ट्रू आएगा, मिक्स आया देखो टी एफ और एफ टी मिक्स आया उसको फॉल्स, तो यहां पे शॉर्ट कर लीजिए, सेम वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू ट्रू अदरवाइज फॉल्स। तो इस तरह से मेरा ये टेबल बन गया। अब टेबल में सिर्फ एक छोटी सी चीज रह गई, पहले निगेशन, निगेशन मिक्स किया, पॉजिटिव को नेगेटिव में कन्वर्ट करना है, तो पी तो मेरा या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा, राइट ना, ट्रू या तो फॉल्स, तो ट्रू का नेगेशन क्या हो जाएगा फॉल्स, तो फॉल्स का नेगेशन क्या हो जाएगा ट्रू, सिर्फ उल्टा करो, ठीक है। तो ये है मेरा ट्रूथ टेबल, ये है मेरा ट्रूथ टेबल। अब ये तो बाय हार्ट होना ही चाहिए, याद करने का तरीका है उसका शॉर्टकट में यहां पर लिख देता हूं, ये कहां से आया तो प्रोबेबिलिटी से आया, इसके लिए इधर ले लेता हूं बोथ ट्रू देन ट्रू, ये ओ डब्ल्यू मतलब अदरवाइज है, अदरवाइज अदरवाइज बोथ ट्रू देन ट्रू अदरवाइज फॉल्स, चेक कर लीजिए बोथ ट्रू देन ट्रू अदरवाइज फॉल्स, यहां पे बोथ फॉल्स देन फॉल्स
अदरवाइज ट्रू। देखो यहाँ पे दोनों फॉल्स है और मैं टू फॉल्स अदरवाइज ट्रू, या इसलिए अलग से भी देख सकते हो एनी वन इज ट्रू देन ट्रू अदरवाइज फॉल्स। देखो एनी वन ट्रू, तो ये ट्रू है क्या, यस ट्रू है, ट्रू है, ट्रू ट्रू है, ट्रू। यहाँ पे एनी वन इज ट्रू है क्या, नहीं है, इसलिए फॉल्स। इस तरह से भी कर सकते हो। डन। इंप्लीकेशन में क्या है, सेकेंड स्टेटमेंट वैल्यू, सेकेंड स्टेटमेंट जो भी रहेगा आएगा उसकी वैल्यू, एंड एफ इंप्लाइज एफ इज ऑलवेज ट्रू। ये ध्यान रखना, एफ इंप्लाइज एफ इज ऑलवेज ट्रू। नाउ लास्ट वन इज, अब क्वाड्रेंट के लिए सेम वैल्यू होगा, पी और क्यू की सेम वैल्यू है तो ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स होगा। तो इसी तरह से हम लोगों का ये ट्रूथ टेबल हो गया है। ध्यान में रखना ये ट्रूथ टेबल आप जब भी पढ़ोगे, जब भी ये लेक्चर देखोगे उसी दिन याद कर लेना, क्योंकि इसके आगे जो भी करेंगे ट्रूथ वैल्यूज के ऊपर ही करेंगे। क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में, फाइंड द ट्रूथ वैल्यूज ऑफ स्टेटमेंट कन्वर्ट इन टू सिंबॉलिक फॉर्म, देन फाइंड ट्रूथ टेबल, फाइंड पैटर्न ऑफ ट्रूथ टेबल, ईच एंड एवरीथिंग इज डिपेंड ऑन दिस टेबल। और कम से कम 6 या ज्यादा से ज्यादा 8 या 10 मार्क के ऊपर आता है ये। अभी मेरे ख्याल से चैप्टर उन लोगों ने कितने मार्क्स का किया पता नहीं, पर मेरे हिसाब से 8 मार्क्स का तो चैप्टर है, तो 8 मार्क्स के ऊपर ये पूरा चलेगा। तो इसके लिए ध्यान देना, बहुत इजी है, इसका लगेगा तो स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका एंड अच्छे से करना। तो इस तरह से हम लोगों ने जो भी एक्सरसाइज 1.1 के लिए लगने वाले जो भी बेसिक इंफॉर्मेशन थी वो जमा कर ली है, वो हम लोगों ने देख ली है। अब हम लोग आप लोग इसकी प्रैक्टिस करना, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे का पार्ट करेंगे, दैट इज एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज शुरू करेंगे। उस एक्सरसाइज में अपन देखेंगे नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम कैसे है और क्या है और इसका यूज कैसे होने वाला है वो। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच, अपना कीमती समय निकाला।